बहुत बेसब्री से इंतज़ार कर रहा था मैं कब रघु राजीव सर से मैं मिलूंगा, और ये वक्त आ गया है। ये वक्त का मुझे बहुत बेसब्री से इंतज़ार था। जो बोलेंगे सर वही करूंगा, लेकिन अपना भी एक फंडा है, सच का साथ दूंगा और कुछ भी नहीं। अगर वो लोग जितना भी ये करते रहे मैं नहीं सुनूंगा, सिर्फ सच का साथ दूंगा। इसीलिए मैं यहाँ पे आया हूँ, सच को सामने लाने के लिए, चाहे कुछ भी हो जाए इसके लिए। अगर मेरी जान भी चली जाए तो मुझे कोई परवाह नहीं है। मेरे महबूब तुझे सलाम। महबूब अपने बारे में बताओ यार। मैं सर, मेरा नाम है सर महबूब जिलानी, मैं कोलकाता हावड़ा टिकिया पाड़ा से हूँ सर। तुम करते क्या? सर मेरे पापा का मीट शॉप है, और वो भी काऊ मीट शॉप। मैं 3 साल पहले ही मैं रोडीज में आ जाता सर, लेकिन मैं नहीं आ पाया सर। क्यों? ये मेरा फैमिली प्रॉब्लम है सर, कुछ ऐसा। मतलब उस टाइम मेरा ऐसा था ना सर कि फटे कपड़े, फटे जूते, मतलब ऐसा कि मैं आने के लिए सोच रहा था अगर मैं वहाँ भी जाऊँगा तो वहाँ भी वही रैगिंग होगा सर जो मेरे मोहल्ले में होता है। ये वही कि तू ऐसा है वैसा कैसा है, तू कैसा क्या है, कपड़ा फटा हुआ है, ये है वो है, सुनकर थोड़ा तकलीफ होता है सर। पर इंसान ही है ना, जानवर तो नहीं है ना सर, कितना सुनूंगा सर। यहाँ पर एक सवाल है, अगर आपके घर वाले आपके गर्लफ्रेंड को ना पसंद कर दे, आपको शादी करने से इनकार कर दे, तो आप क्या करेंगे? आपने लिखा मैं उन्हें कन्विंस करने की कोशिश करूंगा। हां, कन्विंस करूंगा सर, क्योंकि मैं जानता हूं मेरी मां मुझसे बहुत प्यार करती है। अगर तुम्हारी बहन किसी और के साथ शादी कर ले भाग के, तू क्या करेगा? मैं अपनी बहन को मार डालूंगा मेरी फैमिली की इज्जत के लिए। सही बात है, मेरी फैमिली मतलब इज्जत होती है सोसाइटी के सामने। मैं सोसाइटी के बारे में नहीं सोच रहा हूं, मैं अपने पापा के बारे में सोच रहा हूं, वो हार्ट पेशेंट मतलब है। क्या होगा जब तू अपनी बहन का खून करेगा? वो उस टाइम उनका मतलब उनके लिए भी इज्जत सबसे बड़ा चीज है सर। कैसी इज्जत? जो भाई अपनी बहन का खून करता है उस फैमिली की क्या इज्जत है? ये बहुत होता है पता है इंडिया में, ये बहुत होता है। कोई किसी से अपने बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड से शादी करता है, उसके घर वाले उसका खून कर देते हैं। मेरे ख्याल से उन्हें मर जाना चाहिए। लेकिन हम लोगों का जो मतलब चाहिए महबूब, उन्हें मर जाना चाहिए। हम लोग इज्जत का भूखा है, पैसे का भूखा नहीं है सर। तेरी इज्जत बढ़ेगी, लोग सलाम ठोकेंगे, वाह अपनी बहन को मार डाला इसने। क्यों? क्योंकि वो शादी करना चाहती थी। तो वो पहले बताती तो। बात सुन मेरी, जब तेरे ऊपर बात आई, कुछ भी करके मैं धोखा नहीं दूंगा, शादी करूंगा। तेरे जैसा एक और लड़का है, उसको भी शादी करनी है, तेरी बहन से है, उसको भी सच्चा प्यार है उसके साथ, तू खून कर देगा उसका? तो मैंने तो अपनी माँ बाप को कन्विंस किया, वो भी तो कन्विंस कर सकता है सर। मैंने तो कन्विंस किया ना। नहीं किया तो खून कर देगा? क्यों नहीं? अब मतलब ये नहीं। मेरे पापा तो ऐसे ही मर जाएंगे, मैं मरने दूं? अपने बहन को तू मरने देगा? हो सकता है उस टाइम दिल थोड़ा पिघल जाए, ऐसा होता है ना सर, बोलने को इंसान बोल देता है। एक बार बता, तू जिस लड़की से शादी कर रहा है उसके भाई को पसंद नहीं, वो तेरी बहन तेरी बीवी का खून कर देगा? वो ऐसा हो ही नहीं सकता, मैंने तो कन्विंस किया ना, वो उसका घर, उसका भाई नहीं माना, उसके माँ बाप ने हाँ बोल दिया, उसके भाई ने खून कर दिया तेरी बीवी का, अब तब क्या? वो ऐसा होगा ही नहीं, मैंने तो दोनों तरफ से किया है। तेरे दोस्त, उन्होंने अपने माँ बाप का खून कर दिया, कितनी इज्जत करेगा तू उनके? बेवजह कोई खून थोड़ी ना करेगा। अबे वजह गई भाड़ में, वजह कुछ भी हो, खून करना जायज है? गुस्से में हो सकता है सर, लेकिन महबूब गुस्सा दूसरों को भी आता है, खून करते फिरे? वो खून की यहाँ बात नहीं है सर, यहाँ मतलब वो मेरा बाप मर जाए। भाई अगर तेरे बाप को पता लगा तो ऐसी बात कर रहा है, वो तो वैसे ही मर जाएगा। वो तो कम से कम इज्जतदार आदमी है, मेरे को विश्वास है। रत्ती भर के नहीं है, कभी शादी मत करियो, क्योंकि जो तेरी फैमिली निकलेगी ना तो तेरा परिवार निकलेगा, उसकी जीरो इज्जत है, जीरो। पता है आदमी की इज्जत उसके ख्यालों से होती है, कपड़ों से नहीं। ये बात तू जिस दिन समझ जाएगा ना, उस दिन नफरत होगी तेरे को अपने आप से। अभी भी सर अपने आप से नफरत है, ऐसी कोई बात नहीं। घटिया सोच है तेरी महबूब, घटिया। क्या हूं मैं? मैं जा रहा हूं यार, महबूब देखा नहीं जाता। अगर मेरी वजह से आपको बुरा लगा तो इसके लिए सॉरी सर। अब मेरी बात समझ ले महबूब, रघु उठ के जा चुका है, ठीक है, और तेरे को यहाँ से मैं फेंक दूंगा। सबसे पहले तो एक बात सुन ले, उसके बाद मेरे को तेरे से बात करने की जरूरत नहीं है। हमारे देश में ऐसे एक चलती है कि एक हमारे फैमिली की इज्जत है, और इस चक्कर में हमारे फैमिली की औरतों को जला दो, मार दो, काट दो, ठीक है? मेरे को तेरे से लेन देन नहीं है, मैं तेरे को बता रहा हूँ ये गलत है। इसकी वजह कुछ नहीं है, सिर्फ तकियालूसी ख्यालात और एक घटिया किस्म की सोच है। कभी भूले भटके ऐसा सोचना नहीं, ठीक है सर? ये मेरा किसी भी फैमिली में, ठीक है सर, कोई अगर खूनी हो तो उस फैमिली की इज्जत होती है, इज्जत होती है, ये गलत है। वो तो है हाँ। अब एक काम कर, दफा हो जाए सर। ठीक है सर, अगर आपको बुरा लगा तो इसके लिए सॉरी। मेरा इंटरव्यू तो मैं अपने हिसाब से, मुझे जो सच बोलना था मैं बोल चुका हूँ। जिस आदमी के लिए इज्जत इतनी बड़ी चीज है, उसके लिए नेशनल टेलीविजन में कहीं उसको ये ना लग रहा उसकी इज्जत उतर गई है, कहीं वो जाके जंप छलांग वलांग नहीं मार दे, सो समबडी टेक केयर ऑफ हिम, प्लीज काउंसिल हिम, ही नीड्स हेल्प। इंसान तो बहुत कुछ बोल जाता है, लेकिन एक मिस्टेक मेरा बस उसी को लेकर के वो गोल 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 घुमाए जा रहे हैं।
सोसाइटी को गलत भी मानते हैं और उनके लिए अपनी बहन का खून करते हैं। सोसाइटी को गलत मानते हैं? सोसाइटी क्या मानती है? ओह, आइए आइए, क्या हाल है आपके? सब ठीक है, चंगा। जाने से पहले कुछ कहना चाहती है अपने चाहने वालों से? It's nothing like that. Bas, I'll be myself and I know I'm gonna rock. Hi Neha. Hi Neha. Hello. Please sit down. बहुत रात हो चुकी है, अभी क्या क्या टेंशन, क्या क्या आपके दिमाग में चल रहा है? घर जाना है, ये करना है, वो करना है, क्या होने वाला है, सब कुछ बता दीजिए जल्दी जल्दी। Nothing. कुछ नहीं, नो प्रॉब्लम? नो, घर में कोई प्रॉब्लम नहीं, कितने बजे भी जाओ, नोबडी इज वरीड। वेरी गुड, नाउ लिसन, सुपर। हम एक क्विक टेस्ट करेंगे, हाँ? ओके। इंटरेस्ट टेस्ट। तुम मुझे एक बात बताओ कि तुम्हें रोडीज में क्यों सेलेक्ट करना चाहिए और हम तुम्हें एक रीजन बताएंगे तुम्हें क्यों सेलेक्ट नहीं करना चाहिए। ओके, ठीक है, शुरू करो। दिस इज व्हाट आई वांट, सॉरी, यही है जो मैं बनना चाहती हूँ। और आपकी जरूरत नहीं, आपके काबिल, हम आपको क्यों सेलेक्ट करें ये आप मेरे को एक रीजन दीजिए। आई एम डिटरमाइंड, आई इन माय फील्ड ऑफ डिटरमिनेशन, आप में बहुत वो है। हाँ, मेरे पास है डिटरमिनेशन, ये रीजन है एक जिसकी वजह से हमें आपको चुनना चाहिए। मेरे में वो एटीट्यूड, पॉजिटिव एटीट्यूड है जिसको अभी तक आई हैव कैरीड फॉरवर्ड। ये आपने दो रीजन दे दिए, हां तो आपको भी दो रीजन मिलेंगे, दो रीजन मिलेंगे, एक रघु देगा एक मैं दूंगा। पहला रीजन ये है कि आप में कॉन्फिडेंस कम है, आप बोल रही हैं मगर आप में कॉन्फिडेंस कम है मुझे लगता है। दूसरा रीजन ये है कि आप में किलर इंस्टिंक्ट नहीं है। एक्सक्यूज मी, किलर इंस्टिंक्ट नहीं है। ओके, रोडीज में जीतने के लिए जो जुनून चाहिए वो आप में नहीं, वो इफ आई विल बी सिलेक्टेड तो ही दिखेगा। एक और वजह दो, एक और वजह, एक और वजह है, आई एम बेटर देन अदर्स, आई कैन प्रूव दैट इन द शो। जो टास्क आपको दिए जाएंगे वो बाकी आपसे अच्छा कर लेंगे। मुझे अपने अंदर से विश्वास है कि मैं कर लूंगी। आत्मविश्वास, ये आपका एक और रीजन। हाँ, मैं आप रीजन बता रहा हूँ, आपका आत्मविश्वास खोखला है, आप बिना जाने बोल रही हैं ये बात। आपकी बारी। आई थिंक आई एम द बेस्ट, अपने तरफ से आई थिंक आई एम द बेस्ट। इसका मतलब क्या? उस शहर में, जिस शहर में मैं रह रही हूँ, आप वो बोल सकते हैं कि हाँ, तो व्हेन यू से यू आर द बेस्ट, यू आर द बेस्ट इन आसनसोल। ये भी मैं इसलिए मान रहा हूँ क्योंकि आई एम टेकिंग योर वर्ड, आई एम नॉट सीइंग योर सर्टिफिकेट्स, आई एम नॉट टेकिंग अ ट्रायल, आई एम नॉट मेकिंग यू रन। ये मान लिया, आपको पता है कितने ये रोडीज कितना कहां से लोग आते हैं इस ऑडिशन में, तो ये जो फोका कॉन्फिडेंस कहते हैं इसको नॉर्थ में, फोका है। आपको पता भी नहीं आपके सामने कैसे कैसे दिग्गज लोग आएंगे, क्योंकि ऐसा नहीं है, मैंने ये शो को उस समय फॉलो करा है व्हेन आई वाज इन लाइक, तो जितने लोगों को आपने अभी तक से ऑडिशन में देखा है और रोडीज में देखा है आपको लगता है उन सबसे बेस्ट है? हैं नहीं, बस खत्म है वहीं पर। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। क्या हुआ जी, कह रही ये क्या हो गया? मेरे को तो किसी ने चिल्लाया नहीं मेरे पे। क्यों चिल्लाएंगे यार? और आई जस्ट वांट टू से नेहा, यू आर अ वेरी स्वीट गर्ल, गेट अप, गिव मी अ हग, ऑल द बेस्ट इन लाइफ नेहा, ऑल द बेस्ट, या ऑल द बेस्ट। इसको लग रहा है, इसको डर लग रहा है कि इसके ऊपर चिल्लाने आते हैं। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। क्या हो गया नेहा? क्या हुआ? अरे नेहा, नेहा क्या हुआ? जी डू राजीव, मैंने कुछ गलत किया होगा। चुप रहो, तू क्यों रो रहे हो? क्यों रो रहे हो? तुम ये बता, तुम इतना कहते हो कि तुम बेस्ट हो, तुम सबसे ज्यादा कॉन्फिडेंट हो और हम मान गए। एक्चुअली आप लोग बहुत जोर जोर से चिल्ला रहे थे, तुमने देखा भी नहीं कहीं से किसी के चिल्लाने की आवाज आई, आप इतनी डर गए कि रो रही है। आई नो दैट आई डोंट हेल फ्रॉम अ वेरी बिग सिटी, हमारा शहर बहुत बहुत बुरा है, बहुत बुरा है। बहुत अच्छा, बहुत सही है। क्या बात कर रहे हो? आप बुरी नहीं हो, आप छोटी नहीं हो,
अब अपने शहर को भूल जाओ। Full confidence in myself. I know that I can do anything. But I have a surprise for you. नया रोडीज और नो रोडीज आसनसोल या इंडिया ऐसी कोई लड़की नहीं है जिसने यहाँ पे ऑडिशन में रघु के साथ डांस किया। You are the best. You're the best. Can I get a hug from you also? Of course. You're very sweet. I love you. Oh, I love you. Oh, wow. So sweet. See, Bye. Best in this also. ये ऑडिशन में पहली बार मेरे साथ। मुझे बहुत अच्छा लगा ऑडिशन्स में आकर। The judges were very sweet and very nice with me. नेहा, बहुत अच्छा लगा हमें आपसे मिलके। रात के बहुत देर हो चुकी है लेकिन यू आर वेरी स्वीट गर्ल। मेरे से पहले जो कंटेस्टेंट गए थे उनके ऊपर बहुत चिल्लाया था तो उसकी वजह से मैं थोड़ा डर गई थी बट देन दे वर वेरी सपोर्टिव, दे वर वेरी स्वीट एंड फ्रेंडली विद मी। और यू नो इस साल आपका शायद चांस मुश्किल है पर मुझे पक्का यकीन है कि आप इतने अच्छे स्पोर्ट्स पर्सन हैं, आप में स्पिरिट है, ज़रूर आप एक दिन रोडी बन के दिखाएंगे। ऑल द बेस्ट। बस कर दिया।